अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी जो है वो इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी ये रेफरेंसेस वाला जो टैब है हमारा, फुट नोट्स, एंड नोट्स, उसके बाद साइटेशन है, बिब्लियोग्राफी और कैप्शंस, जो आप पिक्चर्स वगैरह आपने इंसर्ट की हुई है उस पर लगाने के लिए, और इंडेक्स जो है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या चीज़ें हमें हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले नंबर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने जो है वो पिछली क्लास में दे दिया था, आज हम उसको जो है वो तफसील से देखते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ। जी शहबाज भाई। सर, ये जो कमेंट का कल आपने पढ़ाया था उसमें होता है या ऑफलाइन कोई कमेंट देते हैं ना, तो उसके नीचे रिप्लाई, उस कमेंट के रिप्लाई देने का भी ऑप्शन आ रहा होता है कमेंट इस किस हवाले से? जगह पे, डॉक्यूमेंट्स के वाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? जी जी वो कोई कमेंट साइड पे हम देते हैं ना, जिस तरह वो हेडर एंड फुटर के से पहले कमेंट का ऑप्शन है। हाँ कमेंट वाला। अच्छा ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं ये ऑफलाइन काम करता है आपके डॉक्यूमेंट में। ये सिंपल जो है वो कमेंट्स हैं, सॉरी मैं ये मिस कर गया बीच में कहीं, सिंपल कमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है और मतलब आप कंटेंट राइटर हैं, आपने डॉक्यूमेंट बनाया है और आप अपने बॉस को या किसी और को या क्लाइंट को चेक करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपल ये जो है वो डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं, तो क्लाइंट आपको जो है वो इस तरीके से कमेंट्स जो है वो बीच में लिख के दे देता है। ठीक है जी, जिस जगह पे भी लगाने हो, मतलब जहाँ जहाँ पे चेंजेस करनी है जो भी, तो कमेंट्स लिख के दे देता है। आप इसी कमेंट को जो है वो यहाँ पे अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो रिजॉल्व का ऑप्शन है, रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर उस कमेंट पे रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप रिप्लाई कर देंगे। ऑफलाइन ही काम करते हैं, इसके लिए ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं। सही है। ठीक हो गया, ये सिंपल सही है, इसमें तो कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं भूल गया था। मैं तो शायद ये टीम वाइज काम करना हो तो इसमें नहीं मोस्टली नहीं क्या करते हैं, ये रिप्लाई बनाना। उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम व्हाट्सएप के ऊपर आपस में मतलब चैट करते हैं। हाँ अगर आपने डॉक्यूमेंट अपना शेयर किया हुआ है गूगल डॉक के ज़रिए से या आपने किसी और ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए से शेयर किया हुआ है और एक ही वक्त में आपका क्लाइंट भी ऑनलाइन बैठा हुआ है, आप भी ऑनलाइन बैठे हुए, तो आप साथ साथ भी काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं कि आप जो है वो कमेंट लेके डॉक्यूमेंट भेज दें, वो उस कमेंट पे रिप्लाई करके आपको डॉक्यूमेंट वापस भेज दें, तो ये दोनों तरीके हैं। सही है। और इसमें जो साइड पे जो मार्जिन लग जाता है, ये पहले पेज से लेके एंड पेज तक लगता है, ऐसा नहीं होता ये जैसे जिस मार्जिन, जगह पे कमेंट किया होगा? ये मार्जिन कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको फाइल को प्रिंट करेंगे तो आप इसमें जो है वो ऑप्शन है, आप मार्जिन वाला हिस्सा ख़त्म कर दें, आप सिर्फ जो है वो व्यू में जाके यहाँ से आप जो है रिव्यू में यहाँ से आप कमेंट्स का जो है वो ऑप्शन ये यहाँ पे शो कमेंट का ऑप्शन, ये सब सबमिट आई डोंट नो कि क्यों डिसेबल हुआ है, यहाँ से शो कमेंट्स और हाइड कमेंट्स का ऑप्शन होता है, वो आप ख़त्म कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये गए जस्ट थे? आपके ये शायद डॉक्यूमेंट हमने कोई कमेंट दिया नहीं है ना, जी। इसलिए शो नहीं हो रहा। कोई कमेंट दिया नहीं है ना, हाँ इसलिए जी, शो नहीं कमेंट हो को रहा। लिखा हुआ नहीं है उस वजह से भी है। बहरहाल ये आपके सिर्फ क्या लेके, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि भी कमेंट साथ में प्रिंट भी हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो हाइड भी। ये मार्जिन नहीं है, अगर आप ऊपर गौर करें ना अपने डॉक पेज के ऊपर रूलर पे, तो आपका पेज एक्चुअल पेज यहीं तक है, ग्रे एरिया तक, ये एक्स्ट्रा सात स्पेस जो है वो ऐड कर दिया उसने जस्ट फॉर कमेंट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेम में नहीं मार्जिन आएगी, कम ज़्यादा नहीं होगा इससे डॉक्यूमेंट का, मार्जिन वही रहेगा। यानी प्रिंट में नहीं आएगी सर? प्रिंट में आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसको शो करके प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में आएगी, अगर आप इसको हाइड करके प्रिंट करेंगे तो फिर प्रिंट में नहीं सही, ठीक है, आएगी। शुक्रिया अच्छा सर। एक और आपका सवाल था जो आप डिफॉल्ट फॉन्ट का, एक दिन आपने सवाल पूछा था, तो वो हमारे पास ये जो फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स है कंट्रोल डी से भी ओपन हो जाता है, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं,
इसके अंदर अगर आप देखें, आप सेटिंग कर लें अपने फॉन्ट की, जो भी आप करना चाहते हैं ऊपर, फॉन्ट का नेम, फॉन्ट का स्टाइल और साइज, यहाँ से करके नीचे आपके पास सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि दिस डॉक्यूमेंट ओनली, क्या आप ये डिफॉल्ट सेटिंग सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए करना चाह रहे हैं, अगर तो इसी डॉक्यूमेंट के लिए करना चाह रहे हैं ओके कर दें तो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट तक रहेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी न्यू डॉक्यूमेंट में बनाऊँ उसमें डिफॉल्ट सेटिंग यही रहे, तो फिर आप ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट ये करके तो ओके कर दें, फिर आप जब भी नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसकी सेटिंग फॉन्ट की वही रहेगी जो आपने सेलेक्ट की है, ठीक हो गई। और ये सेम चीज़ें पैराग्राफ के अंदर भी मौजूद है, पैराग्राफ की भी आप सेटिंग सारी करके जो भी आप डिफॉल्ट रखना चाहते हैं नीचे सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन मौजूद है, तो ये सेटिंग्स आप जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें जो है वो अपना जो कंटेंट है टेक्स्ट जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ एक न्यू फाइल के अंदर और इसको पेस्ट कर रहा हूँ विदाउट एनी इमेजेस और यानी सिंपल टेक्स्ट जो है वो मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ शबाब, जी सर, एक साथ तस्वीरें वगैरह रिमूव हो जाती, अगर सारी तस्वीरें रिमूव अपने वन पेज पे शबाज भाई, वो मैंने जो पेस्ट के ऑप्शंस बताए थे ना, इसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है पेस्ट एज टेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी आपने जो भी चीज़ कॉपी की है पिछले डॉक्यूमेंट से या वेबसाइट से या जहाँ से भी कॉपी की है, अगर उसमें टेक्स्ट के अलावा कोई चीज़ होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसमें रिमूव हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट होगा, ठीक है जी। तो ये हम इसमें कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है जी। मैंने ये इसलिए किया, मैं आप लोगों को हेडिंग्स और जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स वो समझाना चाह रहा हूँ इस वजह से, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये आउटलाइन वाली जो है ये मेरी मैं यहीं से सिलेक्ट कर रहा हूँ, हेडिंग वन है, या चले मैं बल्कि इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइज रहा हूँ मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये हेडिंग वन है फॉर एग्जांपल, इसको मैं कह देता हूँ जी हेडिंग वन। जब हम बिल्ट इन स्टाइल में से हेडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में शामिल कर देता है, ठीक है जी। अगर रेफरेंसेस वाले टैब में जाऊं मैं तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन है, इसमें तीन ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। टेबल ऑफ कंटेंट जब आप अपना डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट कर लेंगे, हेडिंग्स लगा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, तब आपने इस पे आना है। उससे पहले आपने ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करना है, यानी जिस भी हेडिंग को या जिस भी टेक्स्ट को आप शामिल करना चाहते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, तो उसको आप यहाँ से पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऐड टेक्स्ट के बटन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मुझे नज़र आ रहे हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें थ्री लेवल्स तक जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हमें देता है कि आप थ्री लेवल्स तक यानी हेडिंग वन, हेडिंग टू और हेडिंग थ्री, तो थ्री लेवल्स तक आप जो है वो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो लेवल वन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है जी। अगर मैं नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देखें कि डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट, ये बाई डिफॉल्ट जो है वो ये सिलेक्टेड होता है हमारा कि डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है जी। तो नॉर्मल टेक्स्ट हमारा जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं होता, जिस भी कंटेंट को हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो करवाना है उसके लिए हमें उसको मार्क करना पड़ेगा। अगर हम अपने स्टाइल्स में से बिल्ट इन स्टाइल कोई हेडिंग वाला इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें बिल्ट इन स्टाइल के अंदर ही वो उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है कि उसको जो है वो लेवल वन के तौर पर या लेवल टू, अगर हेडिंग टू इस्तेमाल करते हैं या हेडिंग थ्री इस्तेमाल करते हैं तो उसी हिसाब से उस लेवल पर उस हेडिंग को या उस टेक्स्ट को वो टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल कर देता है, ठीक है जी। अगर आप कोई हेडिंग स्टाइल अपने जो बिल्ट इन स्टाइल्स हैं उससे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल अपने टेक्स्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट वाला है इसको भी मैं हेडिंग के तौर पे शामिल करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसको लेवल टू पे करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपने उसको हेडिंग को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसको
लेवल टू या जिस भी लेवल पे आपने करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है लोकेशन वाला, ठीक है जी। इसको मैं करना चाहता हूँ अपने लेवल थ्री में, तो जैसे ही मैं ये इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये लेवल थ्री में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बाजू का ये आपको नज़र आ रहा है जी, कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट चेंज हो गया, वो आपके जो थीम आपने सेलेक्ट किया वो उस हिसाब से होता है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसको वापस अपने हिसाब से जो भी आप फॉन्ट रखना चाहें आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला फॉन्ट रखना चाह रहा हूँ और बोल्ड नहीं चाहिए मुझे और कलर मुझे ब्लैक ही चाहिए, ठीक है जी। तो आप अपने हिसाब से जो है वो बाद में सेटिंग कर सकते हैं, ठीक होगा जी। अब ये मैंने तीन जो है वो हेडिंग्स बना ली, एक लेवल वन की, एक लेवल टू की और एक लेवल थ्री की। दो तीन हेडिंग्स मैं और बना लेता हूँ, ये इसको भी मैं लेवल थ्री में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। ठीक होगा जी, ये मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिया था उस डॉक्यूमेंट से, इस वाले को मैं जो है वो लेवल वन पे कर देता हूँ। अब सिंपल हमने क्या करना है, मैंने हेडिंग्स ऐड कर ली हैं, मैं एक जो है वो न्यू पेज ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ जी टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, जो भी आप करना चाहें। मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप ये देखें कि एक टेबल ऑफ कंटेंट उसने जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैनुअल, सॉरी गलती से मैंने मैनुअल वाला इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास ऑटोमेटिक टेबल जो है वो ऊपर वाले दो हैं, नीचे वाला जो है हमारा वो मैनुअल है, ठीक है जी। ऑटोमेटिक में से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें कि इसने टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग भी लगा दी है, यानी कंटेंट्स के नाम से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं टेबल ऑफ कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जो जो हेडिंग हमने जिस जिस लेवल पर सिलेक्ट की हुई थी वो हेडिंग उस लेवल पर आ चुकी है, और यहाँ पर आपका फॉन्ट स्टाइल और डिज़ाइन वही होगा जो आपकी हेडिंग पे था, ठीक है। तो इसको हम बाद में सेलेक्ट ऑल करके सिंपल एक जैसे फॉन्ट में जो वो कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में कर रहा हूँ और मुझे बोल्ड नहीं चाहिए और 11 पॉइंट्स, ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से बाद में इसको कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि जब हम इसको टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करेंगे, ठीक है जी, मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ पेज नंबर्स करेंगे फिर तो कोई मसला नहीं है। जब आप इंटायर टेबल अपडेट करेंगे तो ये वापस इसकी सेटिंग जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी, यानी आपने जो भी हेडिंग की हेडिंग का डिज़ाइन रखा हुआ है, स्टाइल रखा हुआ है, तो वही स्टाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, ठीक है जी। साइज़ के अलावा, साइज़ इसका जो है वो 11 ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बाकी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक हो गया जी। बाकी आप जो है वो बाद में मज़ीद अगर कोई हेडिंग आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जिस भी टाइटल को ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड करें, इसको अपडेट कर दें, आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। ये सिंपल है, इसमें कोई इतनी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट का है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी इसकी चेंज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये बीच में डॉटेड लाइन पसंद नहीं है तो आप यहाँ से डॉटेड लाइन जो है वो दूसरी पसंद कर सेलेक्ट कर सकते हैं। डैश लाइन आप लगाना चाहते हैं, ठीक है जी, डैश लाइन लगा लें, ठीक हो जी, ये डैश लाइन लग जाएगी। आपको ये भी नहीं पसंद, आपको सिंपल सॉलिड लाइन चाहिए वो आप लगा सकते हैं, वो लग जाएगी। ये भी नहीं पसंद, आप लाइन कोई भी नहीं चाहते तो आप यहाँ से नन सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें, तो आपकी जो है वो बीच में लाइन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गई जी। तो ये यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो किसी हेडिंग का आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ होता है कि सेक्शन भी हम जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शो करते हैं जी, सेक्शन का नाम आ जाए लेकिन उसका पेज नंबर शो ना हो, तो वो आप यहाँ से शो पेज नंबर का ऑप्शन ख़त्म कर दें, आपके पेज नंबर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, शो नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। प्रीव्यू आपको जो है वो ऊपर दिखा रहा है, जिस तरीके जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाएंगे आपको प्रीव्यू उस हिसाब से जो है वो नज़र आता जाएगा,
ठीक है जी। नीचे हमारे पास जनरल ऑप्शन है, फॉर्मेट जो है वो टेम्पलेट है, क्लासिक है, डिस्टिंक की, इसमें से मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप इसको जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, बिल्ट इन स्टाइल इसके अंदर मौजूद है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के, तो इसमें से अगर कोई भी आपको स्टाइल जो है वो पसंद आता है आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवल्स आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कितने लेवल्स आपको चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने लेवल्स आपको चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट जो है वो 3 लेवल्स तक ही हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है। बाकी ये वाला जो हिस्सा है, अब अगर आप इसमें ऊपर गौर करें तो टेबल ऑफ फिगर्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ भी हमारे पास मौजूद है, वो जो हमने नेक्स्ट अपना पढ़ना है, साइटेशन वाला, बिब्लियोग्राफी वाला और इंडेक्स वाला, उसी के साथ टेबल ऑफ फिगर्स है वो भी इंशाल्लाह हमने पढ़ना है, तो वो भी आप फिर जब हम इंसर्ट कर देंगे तो उसके भी ऑप्शंस फिर यहाँ पर इनेबल जो है वो हो जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गए जी। तो ये अगेन बात यही है कि हमारे पास अगरचे इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि ऑटोमेटिकली ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो जनरेट कर देता है, लेकिन इसमें हमारे पास इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी ज़्यादा हमारे पास इंशाल्लाह इन डिज़ाइन में हम देखेंगे। उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हम टेबल ऑफ कंटेंट अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है जी, टेबल ऑफ कंटेंट हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का, फॉन्ट साइज स्टाइल कलर हर चीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी की हम जो है वो लगा सकेंगे। फिर पेज नंबर आपने स्टार्ट में लगाना है, आखिर में लगाना है, ठीक है, पेज नंबर का स्टाइल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं इन डिज़ाइन के अंदर। इसमें हमारे पास ज़रा लिमिटेड जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स की समझ आ गई है, काइंडली ये मुझे बता दें ज़रा। जी शहबाज भाई, टेबल ऑफ कंटेंट्स की समझ आ गई है? जी सर, इसमें ये समझ में आ गया कि नीचे जो अपग्रेड जब आप कर रहे थे तो इसमें इंटायर वन पेज आ रहा था, और इंटायर एक वन पेज का आ रहा था, एक इंटायर का आ रहा था, ये क्या है ये बताइए? किस चीज़ में? अपडेट में? शायद अपडेट में। वन पेज नहीं है शहबाज भाई, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, जब अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, जी अपडेट पेज नंबर्स ओनली। इसमें क्या करेगा, अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो कंटेंट है टेबल ऑफ कंटेंट में जो आप लगा चुके हैं पहले, कंटेंट वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पेज नंबर्स अगर अपडेट हुए हैं, यानी आपकी कोई हेडिंग पहले पेज नंबर 3 पे थी, अब 4 पे चली गई है, आपने उसके पीछे थोड़े से पैराग्राफ ऐड किया या आगे पीछे हुए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पेज नंबर्स को जो है वो चेंज करेगा। अगर आप इंटायर टेबल कर देते हैं तो आपके आपने मिसाल के तौर पर आपने न्यू हेडिंग कहीं पे ऐड की है या कोई हेडिंग कहीं से रिमूव की है, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो अपडेट हो। ठीक है जी, अगर आपकी हेडिंग्स सेम है, सिर्फ आपके हेडिंग्स आगे पीछे हुई हैं, उनके पेज नंबर चेंज हुआ है, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने हेडिंग्स न्यू ऐड की हैं या पहले से ऐड शुदा हेडिंग को डिलीट किया तो फिर आप नीचे वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर होगी? जी सही है, जी सर। ठीक हो गए जी। उसके बाद हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हमारे पास ऑप्शन जो है वो फुट नोट्स का ऑप्शन मौजूद है। सर ये जो लेवल थे, लेवल 1 2 3, तो ये हेडिंग 1 यानी सबसे मेन हेडिंग, फिर उसकी वैली, इसी इसी हिसाब से जो थे जो हमारे पास ये बिल्ट इन लेवल? स्टाइल्स है ना, ये जो बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, इनमें जो हेडिंग 1 है वो लेवल 1 की हेडिंग है, हेडिंग 2 अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो लेवल 2 की हेडिंग होगी, इसी तरह जब लेवल 3 की हेडिंग आ जाएगी हेडिंग 3 के नाम से तो वो लेवल 3 पे होगी। ठीक है जी, लेवल्स जिस तरीके से आपको लिस्ट के अंदर नंबरिंग के अंदर मैंने समझाए थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ लेवल्स का मतलब क्या। तो ये देखें ना, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू में देखें तो हेडिंग 1 2 3 नॉर्मली इसी तरह होता है कि यानी ये हेडिंग मेन हेडिंग है, ये उसके नीचे फिर सब हेडिंग है। ठीक है जी, लेवल 2 पे जो है, लेवल 3 पे जो है वो लेवल 2 वाले की सब हेडिंग है, तो इनको इस तरीके से हम लेवल 1 2 3 कहते हैं। चलें, आज थोड़ा सा नेटवर्क मेरे ख्याल प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेरा ख्याल हम कल को कंटिन्यू कर लें, अगर क्या ख्याल है? जी सर बेहतर है, वैसे भी तकरीबन 35-40 मिनट हो गए। हाँ, 35 इसको सर मैं मिनट हो जरा गए हैं। तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ।
क्या चीज़? आज तो मेरा काम इसी पे ज़्यादा चल रहा है। ठीक, रेफरेंसेस को मैं बहुत तफसील से देखना चाहता हूँ। रेफरेंसेस को? जी सर, इसका काम काफ़ी मेरा सही। ठीक हो गया, हम चलें। ठीक है, हम फिर इंशाल्लाह फुट नोट्स और एंड नोट्स और साथ रेफरेंसेस जो है यानी साइटेशन और बिब्लियोग्राफी जो है वो इंशाल्लाह फिर कल को तफसील से फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज के लिए माजरत, जो प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी नेटवर्क का मसला पता नहीं आ रहा दोबारा शायद, तो इंशाल्लाह कल को मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, जय हिंद।